नमस्कार मित्रों, मैं हूं यादराम और आप जुड़ चुके हैं IITN Academy सीकर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से। आप सभी प्यारे बंधुओं का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीट भर्ती परीक्षा 2017 का मॉडल पेपर या रीट भर्ती परीक्षा 2017 का पेपर। और इस प्रश्न पत्र के जो हिंदी के प्रश्न थे, हिंदी के प्रश्नों में किस किस प्रकार से आपके सामने प्रश्न रखे गए थे और पूछे गए थे, उनकी आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रीवियस पेपरों में ये श्रृंखला आज से हमने स्टार्ट की है, प्रारंभ की है। इस श्रृंखला को पूरा देखें आप, ताकि आपके पिछले जो प्रश्न पत्रों में हिंदी विषय से किस तरह से प्रश्न पूछे थे वो आपके क्लियर हो सकें और आने वाली परीक्षा के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए आप तैयार हो सकें। तो चलिए, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार पुनः और स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। एक बार सभी प्यारे दोस्त सेशन को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे दोस्तों। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पेपर को आप बहुत ध्यानपूर्वक सॉल्व भी करेंगे और उसके बाद में किस तरह से प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा और आपसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न हमारे सामने, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिएगा, मैंने उसी ऑर्डर में इन प्रश्नों को रखा है जिस ऑर्डर में प्रश्न पत्र में आए थे, मतलब 1 से 30 तक प्रश्नों को नहीं रखा है। फिर 31 नंबर से हिंदी विषय का प्रारंभ हुआ था। रीट भर्ती परीक्षा 2017 का जो लेवल सेकेंड है, ठीक है, लेवल सेकेंड के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इसमें जो पहले नंबर पे जो प्रश्न था, मतलब 31वां जो प्रश्न था, वो कौन सा था हिंदी विषय से, हिंदी विषय को लेकर के, जिन्होंने भाषा के रूप में प्रथम चुना था हिंदी को, पहली भाषा के रूप में हिंदी को चुना था, उनका ये प्रश्न पत्र है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। पूरे प्रश्न को हम डिटेल से पढ़ेंगे और उनका एनालिसिस भी करेंगे, बहुत अच्छे से उनको समझने का प्रयास भी करेंगे और कभी ऐसी गलती हम नहीं करेंगे जो पिछले प्रश्न पत्रों में बच्चे कर चुके हैं या फिर होने की संभावना रहती है, उन सभी को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं केवल इसलिए यहां आया था, प्रश्न तो यहां पर कंप्लीट हो गया, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, ठीक है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं केवल इसलिए यहां आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। बच्चों, इसमें क्या पूछा है एग्जामिनर ने, बहुत अच्छा सा प्रश्न दिया है कि इसमें किस चीज से संबंधित अशुद्धि है। क्या अव्यय संबंधी अशुद्धि है, क्या लिंग के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, क्या क्रिया से संबंधित अशुद्धि है, या वचन से संबंधित अशुद्धि है। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो आपका उत्तर इसमें से सही क्या उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसमें सही उत्तर होगा आपका अव्यय संबंधी। अब अव्यय संबंधी अशुद्धि इसमें क्यों है मैं बता देता हूं आपको। देखिएगा, यहां पर आपको दिया हुआ है केवल और इसलिए, ये दोनों के दोनों शब्द अव्यय हैं। दोनों के दोनों शब्द क्या है, अव्यय है। केवल भी अव्यय है और इसलिए भी अव्यय है। अब दो अव्यय एक वाक्य में नहीं प्रयोगित हो सकते, दो अव्यय एक वाक्य में प्रयोगित नहीं हो सकते। अनावश्यक अव्यय का प्रयोग हमने यहां पर कर लिया है। या तो यहां पर यह होता, मैं इसलिए यहां आया था, ठीक है, बिल्कुल इसमें यही होता, दोनों अव्यय यहां पर नहीं आएंगे। अव्यय क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसे शब्द, देखिएगा इस प्रश्न का थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, तो यहां पर देखिएगा, सॉरी, ऐसे शब्द जिन पर वचन काल और लिंग व कारक का प्रभाव ना पड़े या नहीं होता है, ठीक है। ऐसे शब्दों का अव्यय कहते हैं।
केवल का बहुवचन भी नहीं बना सकते आप, केवल शब्द का लिंग भी परिवर्तन नहीं कर सकते आप, केवल शब्द का आपको आप कारक भी दूसरा नहीं काम में ले सकते। अगर कारक देखिए आप केवल को केवली कभी सुना आपने आज तक? नहीं सुना होगा। इसलिए शब्द को भी आप परिवर्तित नहीं कर सकते किसी भी फॉर्मेट में, इसलिए यहां पर ये अव्यय है। और दो अव्यय हैं, इसलिए यहां पर जो अशुद्धि है वो कौन से प्रकार की अशुद्धि है? अव्यय प्रकार की अशुद्धि है, मतलब अव्यय संबंधित अशुद्धि है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। ऐसे शब्द जिन पर कारक लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़े वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। मैं आपको अव्यय में कई सारे शब्द और लेकर के दिखा देता हूं। ये जो योज लेकिन शब्द है आपका, तथा है, तभी है, ये सब के सब क्या होते हैं? केवल है। ये सब के सब अव्यय शब्द होते हैं दोस्तों। इनको कहीं भी आप प्रयोगित कीजिए, वाक्य में किसी भी स्थान पर प्रयोगित कीजिए, देखिए तो उनका इनका रूप चेंज नहीं होगा, ये बदलेंगे नहीं और नहीं बदलेंगे। अव्यय का मतलब जहां इनका कोई खर्च नहीं होता, इनकी कोई हानि नहीं होती, तो ऐसे शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। ठीक है, इनको अविकारी भी आप कह सकते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। अविकारी कह दो, अव्यय कह दो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा ये, इसका जवाब आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं केवल इसलिए यहां आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ करके इसका आपने उत्तर दे दिया है, अव्यय संबंधी अशुद्धि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा? ये इसका मतलब, ये जो वाक्य दिया हुआ है ये अशुद्ध दिया हुआ है। अब यहां पर क्या हमें देखना है? जीवन और ये योजक तो ठीक लगा हुआ है, तो फिर हमें कहां शुद्ध करने की जरूरत है? साहित्य का घोर संबंध है, ये बात है वो समझने वाली बात है कि साहित्य और जीवन के बीच में घोर संबंध होता है क्या? घोर का मतलब गहरा ही होता है होने को तो, लेकिन यहां पर क्या ये घोर शब्द है, ये उचित प्रयोग हुआ है? अब देख लेते हैं आगे। जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, बिल्कुल नहीं जी, गलत बात है। निकट संबंध क्या होता है जीवन और साहित्य में? निकट यानी नजदीक, नजदीक नहीं। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये बात ठीक है एक हद तक। ये यहां पर इससे भी बेहतर और कुछ मिले तो उसको हम देख लेंगे। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, घोर संबंध नहीं होता प्यारे दोस्तों। जीवन और साहित्य का पास का संबंध है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन और साहित्य में आपस में संबंध है? नहीं जी, बिल्कुल। ये इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध होता है प्यारे दोस्तों, घोर संबंध नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर प्रश्न नंबर 32 और अपने सीरीज का प्रश्न नंबर दूसरा, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन दो, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर करते हैं। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, ये बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, ये एक आपके सामने लोकोक्ति है। आस्य, इस आस्य की लोकोक्ति कौन सी है? ये लोकोक्ति का अर्थ है, आप यूं समझिए, ये लोकोक्ति का अर्थ दिया हुआ है और ये इस अर्थ को पूरी तरह डिफाइन करने वाली लोकोक्ति कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ है ऊंट के मुंह में जीरा। नहीं भाई, ये तो गलत बात है। ऊंट के मुंह में जीरा है तो लोकोक्ति, लेकिन अधिक मांग है और कम वस्तु पहुंचाई जा रही है, इसका तो अर्थ ये होना चाहिए। जबकि यहां पर देखना वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा, ठीक है। यहां पर देखना ऊंट के मुंह में जीरा, यानी अधिक चाहने वाले को कम वस्तु देना, ठीक है। यहां पर अगला देखना, ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी बिना वजह ही बड़ी चीज, दिखावा ज्यादा है और उद्देश्य उसका कम है। आप यूं भी कह सकते हैं कि दिखावा ज्यादा है और जो उसको क्वालिटी बोलते हैं, क्वालिटी कम है, ठीक है। एक अनार सो बीमार, एक अनार सो बीमार, ये कर रहा है ना यार, एकदम अच्छे से डिफाइन कर रहा है ऊपर वाले जो पूरा का पूरा अर्थ दिया हुआ है। वस्तु की मांग में, यानी कि चीज कम है और मांग अधिक है, लोग ज्यादा उसके लिए परेशान है। एक अनार सो बीमार, देखो बहुत अच्छे से समझ लेने की जरूरत है। वस्तु की पूर्ति कम है, यहां देख रहे हो, वस्तु की पूर्ति कम है, तुलना किसकी ज्यादा मांग हो रही है? मांग
वस्तु ज्यादा चाहिए, ज्यादा लोगों को चाहिए और है कम, यानी कि एक आदमी एक चीज है और एक चीज के चाहने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता भी है कॉलेज लाइफ में, एक होता है और चाहने वाले ज्यादा होते हैं। खैर कोई बात नहीं है, इसको आप यही समझें, एक अनार सो बीमार, समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल होना, सीधी सी बात है, यानी ना तो तीतर होना ना बटेर होना, तो इसका भी अर्थ समझ में आ रहा है कि, तो इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों 3 नंबर का। और ये मैं आपको यहाँ पर इंगित कर रहा हूँ, देख रहे होंगे आप प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? एक अनार सो बीमार, क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर रखना। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखिएगा इस प्रश्न में क्या क्या खास बातें हैं, ये इसने पूछा है, प्रश्न को पढ़िएगा, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। एक तो मुहावरा होता है, एक लोकोक्ति होती है, आप सभी जानते हैं लोकोक्ति लोगों द्वारा कही गई उक्ति है जो आज तक चली आ रही है और जिसको आज तक लोग मान रहे हैं, ऐसी ऐसे कथन जो कभी लोगों द्वारा कह दिए गए थे जिनको आज तक हम प्रयोग में ला रहे हैं उनको लोकोक्ति कहते हैं। और मुहावरे, मुहावरे पूरा वाक्य ना होकर के वाक्यांश होते हैं, जब इनको किसी सेंटेंस के संदर्भ में या किसी पैराग्राफ में हम यूज करते हैं तभी इनका अर्थ निकलता है, तो ये नॉर्मली तो वाक्यांश होते हैं, तो यहाँ पर मुहावरे की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने, चलिए बात कर लेते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य नहीं होता है। ये प्रश्न भी सीधा आ सकता है कि मुहावरे से संबंधित कौन सा कथन सही है या गलत है, तो ध्यान रखिएगा मुहावरा हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है, और जो मुहावरा होता है वो वाक्यांश होता है, वाक्य ना होकर के। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब चलते हैं 4 ऑप्शन की ओर, और पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा, चलिए देखो पहले ऑप्शन को जानते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ भी असर न होना, घास काटना मतलब कुछ भी असर न होना, नहीं भाई गलत बात है, कुछ भी असर न होना ये तो मतलब चिकना घड़ा होना, इस अर्थ के लिए ये मुहावरा सटीक बैठता है मेरे हिसाब से। कठिनता पूर्वक कार्य करना, नहीं ये भी गलत बात है। यहाँ पर गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना, ये इसके लिए उपयुक्त उत्तर है, ये बिल्कुल सही उत्तर की बात कर रहे हैं हम। देखो लोग कहते नहीं है कि यार क्या घास काट रहे हो यार, जब आप एक टीचर से पढ़ते रहते हो और कभी कभार टीचर को ऐसा लगता है, हालांकि ये एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं होता है कि बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखे बिना वो उनको धारा प्रवाह पढ़ाए, आवश्यकताओं का ध्यान रखे और बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए एक अध्यापक पढ़ाए तो वो एक बेहतर सफल टीचर माना जाता है। तो कई बार नहीं होता है कि सर घास काट दिया आपने आज, ऐसा होता है कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया आज, तो आपने काम सा निकाला है, मतलब घास काटी है, मतलब आज आपका पीरियड केवल ऐसा लगा है कि आज आपने केवल पीरियड का भुगतान किया निपटाया है, तो ये वाली बात यहाँ पर लागू होगी। घास काटना मतलब क्वालिटी का ध्यान नहीं रखकर हम जैसे तैसे अपने काम को पूरा करने में लग जाते हैं, तो इसके लिए ये मुहावरा प्रयोगित किया जाता है घास काटना। ठीक है, गैर जिम्मेदार होना, नहीं ये भी गलत बात है, तो एकदम इसका सही उत्तर होगा घास काटने का, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। ओके चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, प्रश्न बहुत बढ़िया है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। अब भैया यहां पर ध्यान देने लायक ये बात है कि इस वाक्य में हमें क्या पूछा है अगले ने, पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा आधे बच्चों को। सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण, ये आपको यही समझ में नहीं आया होगा पहली बात तो, कि इसमें पूछा क्या, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसमें से कौन से शब्द का हमें क्या बताना है, पहली बात तो ये नहीं है। तो यहां पर मेरे हिसाब से ये अंडरलाइन देकर के और फिर पूछना चाहिए था कि विद्वान सब जगह पूजा जाता है रेखांकित शब्द क्या है, ये पूछना चाहिए था, या फिर यहां पर ध्यान दे किसी न किसी शब्द के नीचे रेखांकित करके, किसी न किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन करके फिर उसके बारे में पूछा जाना चाहिए था। इस प्रश्न का उत्तर जो बोर्ड है उसने क्या माना है, बोनस दिया है, क्या दिया है प्यारे दोस्तों, बोनस दिया है,
लेकिन हम बोनस की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। बोनस तो हमें बाद में देखना है, पहले हमें तो हम तो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए था इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होना चाहिए था संज्ञा। अब क्यों होना चाहिए था? जब ये रेखांकित होता तो विद्वान के नीचे रेखांकित होता तो ये संज्ञा क्यों होना चाहिए था? देखो, सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों कि किसी भी नाम को क्या कहते हैं, किसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये एक नॉर्मल परिभाषा है संज्ञा की, समझना। किसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब देखना, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं तो संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती हैं? राम, मोहन, विकास सब संज्ञाएं हैं, है ना। गुण भी संज्ञा होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर संज्ञा क्यों होता? देखो, विद्वान शब्द जो है, विद्वान शब्द जो है, विद्वान सर आपने ऐसे कैसे लिखा, ये सही था क्या, ऊपर वाला सही था क्या? बिल्कुल विद्वान आप ऐसे भी लिख सकते हो माय डियर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्वान ये शब्द भी सही है और ये शब्द भी सही है, दोनों सही हैं विद्वान, ठीक है। मानक, हालांकि जो मैंने लिखा है ये विद्वान मानक है, कोई बात नहीं है, अगर आपने विद्वान ऐसे भी लिखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझना, जो विद्वान है वो कैसी संज्ञा है? विद्वान देखो जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है प्यारे दोस्त? जातिवाचक संज्ञा है। विद्वान जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक, जातिवाचक इसलिए है क्योंकि सभी विद्वानों की बात हो रही है, सभी विद्वानों की बात हो रही है, किसी एक विद्वान की बात नहीं हो रही है, यहां पर सभी विद्वानों की बात हो रही है। तो एक जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो विद्वान शब्द जो है वो पूरे विद्वानों के लिए काम में लिया गया है, इसलिए यहां पर जातिवाचक संज्ञा होगा। तो मेरे हिसाब से यहां पर यदि रेखांकित दिया हुआ होता है तो इसमें संज्ञा उत्तर है वो सही होता। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सभी नाम के स्थान पर जो शब्द हम काम में लेते हैं, यह है, वह है, जो भी है, है ना, तो सभी सभी के सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोगित होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है, क्लियर। विशेषण ऐसे शब्द जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। बेसिक बात है, इसलिए इसका सही उत्तर मेरे लिहाज से क्या होना चाहिए था प्यारे दोस्तों? संज्ञा होना चाहिए था, क्लियर। अगली बात पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, शिक्षण विधियों में से प्रश्न आ गया है और आपकी तमन्ना पूरी हो गई है कि शिक्षण विधियों के प्रश्न कब आएंगे। आ गया है भैया आपके सामने, तो देखिए, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। उद्बोधन विधि के कुछ उपभेद हैं जिनमें से उद्बोधन का मतलब होता है बोल करके। उद्बोधन का मतलब क्या होता है? बोल करके। तो दृश्य विधान आपको चित्र दिखाएंगे और चित्र दिखा करके उसके बारे में बोल करके बच्चों को बताएंगे, तो ये उद्बोधन विधि में आता है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। दृश्य विधान की बात करें, बच्चों को चित्र दिखाएंगे, चित्र दिखा करके कुछ चीजें दिखा करके उसके बारे में ज्ञान देंगे, तो ये उद्बोधन विधि में आता है, उसके बारे में उद्बोधन करेंगे आता है। कहानी में, कहानी में किसी न किसी प्रसंग के बारे में आप पूरी जानकारी देते हैं तो ये भी उद्बोधन करना पड़ेगा। अभिनय आप एक्टिंग करने के साथ साथ बच्चों को बोल करके बताएंगे, ये भी उद्बोधन में आता है। और बच्चों के माध्यम से अर्थ निकलवाना, किसी बात का बच्चों के माध्यम से अर्थ निकलवाना ही उद्बोधन है, सही भाषा में ये बात है। तो यहां पर उपभेद कौन नहीं है? अनुवाद करना नहीं है, अनुवाद, अनुवाद किसी भी चीज का अनुवाद आप करोगे तो ये उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं माना जाएगा, क्लियर है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? अब देखो, यहां पर आपको प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? तो भाषा संस्कृत विधि, भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, निगमन विधि लक्ष्य यहां पर दिया हुआ है, लक्ष्य की जरूरत नहीं थी, विधि विधि तक ठीक था। आगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो आगमन विधि में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अलग से व्याकरण पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। निगमन विधि में भी अलग से व्याकरण पढ़ाया जाता है, यह भी ठीक बात है। और जब पाठ्य पुस्तक विधि का आप प्रयोग करते हैं
तो भी आप व्याकरण को स्वतंत्र रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन किसमें नहीं पढ़ाते, भाषा संसर्ग विधि में आप व्याकरण को स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ाते। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती। यहाँ पर ये जो शब्द है ना नहीं, ये बहुत ही काम का है, यहाँ पर गौर करें। आप दी जाती है स्वतंत्र रूप से दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है किस किस में दी जाती है। इसमें दी जाती है, इसमें दी जाती है, आगमन में दी जाती है। किसमें नहीं दी जाती, भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है। स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है तो कैसे दी जाती है ये बताओ। जब भाषा संसर्ग विधि का प्रयोग करते हैं आप, तो मान लीजिए जो प्रसंग ले रखा है आपने, और उस प्रसंग में जो जो शब्द व्याकरण से संबंधित आते हैं, जो जो शब्द व्याकरण से संबंधित आते हैं, जैसे मान लीजिए एक वाक्य ले लेता हूं मैं, एक प्रसंग में से एक वाक्य ले लेता हूं, और यहां पर लिखा हुआ है राम बहुत अच्छा लड़का है। यहां पर एक प्रसंग का ये वाक्य है, और इसमें आपको बोलना तो यही है कि राम बहुत अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर व्याकरण की अलग से शिक्षा ना देकर के स्वतंत्र रूप से शिक्षा है, मतलब आप संज्ञा ना पढ़ाने लग जाए यहाँ पर। आप राम बहुत अच्छा लड़का है यहाँ पर बताएं कि राम यहाँ पर संज्ञा है, इतना ही बताना है। राम यहाँ पर संज्ञा है, और बहुत यहाँ पर क्रिया कह सकते हैं, या यहाँ पर जो विशेषण का प्रविशेषण कह सकते हैं, विशेषण को बल देने वाला शब्द कह सकते हैं। ये अच्छा क्या है, विशेषण है, तो इसके बारे में केवल इतना ही बताएं आप कि यहां पर किस किस का प्रयोग हुआ है, संज्ञा और प्रविशेषण और विशेषण का, ठीक है। तो आप यहां पर कहेंगे कि भाषा संसर्ग विधि है उसमें स्वतंत्र रूप से, अब मान लीजिए यहां पर व्याकरण अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, शब्द वाक्य आया है वाक्य में ही आप व्याकरण पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर आपके सामने क्या होगा जी, उत्तर होगा आपका भाषा संसर्ग विधि, भाषा संसर्ग विधि सही उत्तर है, क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है, ये आप देख लीजिए सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जाने वाला प्रश्न है, रीट में तो इस प्रश्न को बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और अगली बार भी ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सामने होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है। बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है, तो यहां पर आप समझ गए होंगे वैसे तो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत रिपीटेड है, सब बच्चे पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को। यहां पर देखिएगा रीट वाले सभी बच्चे और सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे इसको जरूर इस प्रश्न को पढ़ करके जाए। हर्बर्ट उपागम नहीं जी, मूल्यांकन उपागम बिल्कुल ठीक बात है। बी एस ब्लूम एक अमेरिकन शिक्षा शास्त्री है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक है आप यूं कह सकते हैं, अमेरिका के हैं, और इन्होंने बी एस ब्लूम ने कौन सा उपागम दिया है, मूल्यांकन उपागम दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छे से और बातचीत कर लेते हैं। अब प्रश्न आपके सामने विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, शिक्षण विधि से ही है, और प्रश्न आपके सामने है विश्लेषण का मतलब होता है कोई शब्द आपके सामने दिया हो तो उस शब्द को बहुत डिटेल करके समझाना ही विश्लेषण है, ठीक है। उसके एक एक चीज के बारे में ज्ञान देना ही क्या है, विश्लेषण है, बाकी संश्लेषण होता है। तो यहां पर देखिएगा विश्लेषण विधि में प्रयोग किसका होता है, या विश्लेषण विधि में कैसे आप पढ़ाओगे, तो शब्द से वर्ण की ओर पढ़ाओगे, यानी पहले आपके सामने शब्द दिया होगा, फिर शब्द के छोटे छोटे टुकड़े करके या वर्णों की जानकारी आप देंगे, उसको खोल करके बताएंगे पूरे शब्द को, क्या ये विश्लेषणात्मक विधि है। वर्ण से शब्द बना करके आप बताओगे कि ये छोटे छोटे वर्ण है और इनसे मिलकर के शब्द कैसे बनता है, वो बता करके आप क्या इस विधि को प्रयोग करेंगे। शब्द से वाक्य बनाएंगे या वाक्य से पैराग्राफ बनाएंगे, समझ लीजिएगा। वैसे ही जो तेज बुद्धि बालक है वो तो इस बात को समझ गए होंगे कि वर्ण से शब्द मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, क्लियर है। वाक्य से पैराग्राफ, वाक्य से वाक्य छोटा और पैराग्राफ उसका बड़ा रूप, तो यहां पर भी छोटे से बड़ा, शब्द से वाक्य, शब्द छोटा और वाक्य बड़ा, तो इसका मतलब यहां पर भी छोटे से बड़ा। अब यहां पर देखिएगा शब्द बड़ा होता है कि वर्ण बड़ा होता है, पहली बात तो ये, यहां पर शब्द बड़ा होता है, तो इसमें उल्टा है कि बड़े से छोटे की ओर, यानी पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से
अंश की ओर जिस विधि में पढ़ाया जाता है वो है विश्लेषणात्मक विधि। वो कौन सी विधि है? विश्लेषणात्मक विधि। और शब्द से वर्ण का वर्ण की व्याख्या कर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर मेरे दोस्तों क्या होगा, मेरे लाडलो क्या होगा? शब्द से वर्ण। क्लियर है? समझ गए होंगे आप सभी? शब्द से वर्ण विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली बात पर चलते हैं। ये लो जी, बहुत बढ़िया है, ये प्रश्न बहुत प्यारा आ गया आपके सामने। 31 का मानक रूप है, मैं तो इसका शुद्ध उच्चारण कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, शुद्ध उच्चारण आप भी करें। 31 का मानक रूप क्या है, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे आप? ठीक है, 31 को हिंदी में कैसे लिखते हैं? 31 ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, मैं तो नहीं लिखूंगा ऐसे, आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 31 इसमें भी 31 लिखा हुआ है, 31 बिल्कुल ये हिंदी मानक रूप इसका नहीं हो सकता। 31 नहीं यार, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है ना ही पढ़ा है। अब कुछ बच्चे ये करके आ गए होंगे कि 31, जबकि ये भी गलत है। 31 क अर्धाक्षर नहीं है मेरे दोस्त, इसमें 31 में क अर्धाक्षर ना होकर के कैसे होगा, जरा समझने का प्रयास करना। 31 का जो मानक रूप है वो 31 ऐसे लिखा जाता है, 31। ठीक है, ये शुद्ध रूप है, ये शुद्ध शब्द है, 31 ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है ना? ये बात समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। 31 अभी तक किसी ने नहीं सुना होगा, ये गलत है। 31 ये भी नहीं होता है, 31 ये भी गलत है। 31 कै में से स्वर बाहर निकाल लिया तो ये भी गलत रूप है, इसका सही रूप है 31। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें बोनस अंक दिया था रीट ने, बोर्ड ने इसमें बोनस अंक दिया था। आपको ये याद नहीं करना है कि ये आएगा और इसमें मुझे बोनस मिल जाएगा, आपको तो ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त 31 को ऐसे लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना है आपको तो 31 लिखा कैसे जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार चल रहा है सर, शाबाश। चलिए, और ये रहा आपके सामने वर्तनी से संबंधित बहुत प्यारा सा प्रश्न, देखिएगा। शिक्षण विधि से संबंधित है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए, ये प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। वर्तनी वर्णों के बारे में आप कब जान जाने चाहिए, वर्णों का ज्ञान आपको कब तक हो जाना चाहिए, उसकी बात हो रही है यहां पर। वर्तनी की विधिवत लिखावट और अक्षरों को देखकर समझना और उनको लिखना, यह आपको कब तक आ जाना चाहिए, तो यहां पर प्रश्न को मैंने समझा दिया है। इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार विकल्प हैं आपके सामने। प्राथमिक स्तर पर ऐसा हो जाना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पहली से पांचवी कक्षा को मानते हैं आप, उच्च प्राथमिक आठवीं तक की कक्षा को, माध्यमिक दसवीं तक के, और उच्च माध्यमिक आप कह सकते हैं बारहवीं तक की। तो आप मुझे बताइए कि वर्तनी का ज्ञान आपको कब तक हो जाना चाहिए। अरे यार, ये कॉमन बात है, जितने बच्चे यहां पर देख रहे हैं और अध्यापक मेरे मित्र देख रहे हैं वो भावी अध्यापक बनने को है, तो उनको ये पता होगा कि अगर वर्तनी नहीं आएगी तो प्राथमिक स्तर पार कैसे करेगा बच्चा। वर्तनी मतलब अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो बच्चे को उच्च माध्यमिक स्तर पर कैसे, उच्च प्राथमिक स्तर पर कैसे ले जाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तनी का ज्ञान बच्चे को प्राथमिक स्तर पर ही हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको। ठीक है, वर्तनी का ज्ञान बच्चे को पढ़ना और लिखना आ जाना चाहिए। ठीक है, विधिवत रूप से उसका ज्ञान हो जाना चाहिए उसे कि कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर कहां पर लिखा जाता है और कैसे उच्चारित किया जाता है। तो वर्तनी के ज्ञान के लिए सही जो समय रहता है वो प्राथमिक समय रहता है, यानी प्राथमिक स्तर रहता है, तो बच्चे को प्राथमिक स्तर पर ही वर्तनी का ज्ञान दिया जाना उचित होगा। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चलिए भाषिक सामग्री है। भाषिक सामग्री क्या है, ऐसा पूछा अगले ने, तो मूल विषय वस्तु बिल्कुल नहीं लगता मेरे को, प्रत्यय बिल्कुल नहीं जी, मूल विषय वस्तु और प्रत्यय दोनों पहले ही हम नकार चुके हैं, तो ये दोनों को यहां लगाने की कहां जरूरत थी मेरे भाई। शब्दावली, शब्दावली होगी तो भाषिक सामग्री का प्रयोग करोगे ही तो करोगे, बिल्कुल ठीक उत्तर है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, शब्दावली, राइट आंसर। क्लियर है, शब्दावली इसका सही उत्तर होगा,
इसमें कुछ समझने लायक बात है नहीं मेरे हिसाब से। भाषिक सामग्री शब्दावली राइट आंसर, ठीक है। शब्दकोश भी कह सकते हो आप इसकी जगह, शब्दावली की जगह आप क्या भी कह सकते हो प्यारे दोस्तों, शब्दकोश भी कह सकते हो, शब्दकोश भी कह सकते हो, और शब्द भंडार भी कह सकते हो, शब्द भंडार भी कह सकते हो। ये बिल्कुल ठीक है, शब्दावली हो सकती है, शब्दकोश हो सकती है, शब्द भंडार हो सकती है, ठीक है। भाषिक सामग्री क्लियर। आगे ये लीजिए, ये है बुलेटिन बोर्ड। क्या है बुलेटिन बोर्ड? आप ये मत समझना कि बुलेटिन खबर है या बुलेटिन समाचार है। तो यहां पर बुलेटिन बोर्ड क्या है ये आपको पूछा गया है। क्या बुलेटिन सुनना जाता है या बुलेटिन सुनने के काम आता है? सुनने वाली सामग्री है बुलेटिन, तो यहां पर कुछ बच्चे बुलेटिन सुनने की सामग्री लगा सकते हैं, जबकि ऐसा कतई संगत नहीं होगा। दृश्य सामग्री है बुलेटिन, बोर्ड आगे लगा हुआ है आप समझ लीजिएगा। तो बोर्ड इसका मतलब हमें बोर्ड पर कुछ जानकारियां हैं वो दी हुई होती हैं और उसे हम देख करके जानकारी हासिल प्राप्त करते हैं, ठीक है। जानकारी हासिल करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। नीचे दिया हुआ है दृश्य श्रव्य सामग्री, तो दृश्य तो है लेकिन श्रव्य नहीं है, सुन नहीं सकते, बोर्ड बोल करके बता नहीं सकता, ठीक है। कोमल सामग्री, इसका कोई औचित्य नहीं यहां पर। तो यहां पर इसका सही उत्तर माय डियर क्या होगा? सही उत्तर होगा दृश्य सामग्री। देखिएगा जो स्कूल होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, विद्यालयों में जैसे ही हम एंट्रेंस होता है, जैसे ही मेन एंट्रेंस होता है, वहां पर कुछ बोर्ड लगे होते हैं, सूचना पट जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सूचना पट कहते हैं। वो ब्लैक भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, वो किसी भी रंग के हो सकते हैं, लेकिन जो सूचना पट होता है उस पर मुख्य जानकारियां दी हुई होती हैं। मुख्य जानकारी कैसी? सूचनाएं दी हुई होती हैं, कल ये कार्यक्रम इस विद्यालय में संपन्न होगा, नेक्स्ट डे ये होगा, फला दिन की इस विषय के बारे में टेस्ट होगा, ये सारी जानकारियां दी हुई होती हैं। और उस पर जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं वो भी लिखी हुई होती हैं, कोटेशन भी लिखे हुए होते हैं जो बुलेटिन बोर्ड होते हैं उन पर। आपने देखा भी होगा कि कई सारे बुलेटिन बोर्ड कई विद्यालयों में सुबह सुबह का जो मेन लाइन होती है, टैग लाइन होती है, वो भी लिखी जाती है। जैसे जल ही जीवन है, पढ़ाई मेहनत सफलता की कुंजी है, इस प्रकार के कुछ कोटेशन लिखे जाते हैं जिनसे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। तो इस तरह की चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें भी वहां पर लिखी जाती है। तो इसका सही उत्तर, मेरा कहने का मतलब क्या होगा? बुलेटिन बोर्ड, बोर्ड का मतलब दृश्य सामग्री, ठीक। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यार से पढ़ रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? यहां पर प्रश्न दिया है आपके सामने और क्वेश्चन क्या दिया है कि अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? परीक्षण का मतलब जांच, ठीक है। कौन सी है? शिक्षक निर्मित परीक्षण, ऑप्शन नंबर दो। मौखिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर तीन। आत्मनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन नंबर चार। परमापीकृत प्रमापीकृत परीक्षण, यहां पर ध्यान से देखना, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना मेरे दोस्त। यहां पर लिखा हुआ है शिक्षक निर्मित परीक्षण। तो एक चीज बताओ यारो, कोई आपका परीक्षण करे ये ठीक बात है, लेकिन आपका शिक्षक परीक्षण कर रहा है ये तो ठीक है, लेकिन क्या वो सर्वमान्य हो जाएगा वो परीक्षण? शिक्षक भाव से भी तो भाव भी तो होते हैं शिक्षक में। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत मासूम सा चेहरा है, तो उस बच्चे को देख करके, विद्यार्थी को देख करके शिक्षक के मन में ये आता है कि चलो विद्यार्थी वैसे सिंसियर है लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो इसको नंबर अंक बढ़ा करके दे दिए जाए। शिक्षक ने बनाया है वो परीक्षण, शिक्षक पर डिपेंड करता है, शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो कैसा परीक्षण कर रहा है। तो क्या ये विश्वसनीय है? क्या वो सही जांच हो गई है बच्चे की, विद्यार्थी की सही जांच हो गई है? मेरे हिसाब से नहीं, और आप भी जान गए होंगे। मौखिक परीक्षण, चलिए एक बच्चे को हमने हमारे सामने खड़ा किया और बच्चे से तीन चार प्रश्न किए, हमने दो प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, एक प्रश्न का उत्तर उसने दे तो दिया सही लेकिन उसका घुमा फिरा करके उत्तर दिया है, तो फिर हम क्या मानते हैं उसे कि ये उत्तर गलत है? और क्या हम उसे क्या मानते हैं कि ये उत्तर सही है? या तो ये मानेंगे गलत है या ये मानेंगे कि सही है। तो मौखिक है वो लिखित नहीं है, जब तक किसी चीज को लिखा नहीं जाता वो प्रमाणित नहीं मानी जाती है मेरे दोस्त, इसलिए
ये भी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता। आत्मनिष्ठ परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण तो कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी को खुद को कहा जाए कि आप खुद अपना निरीक्षण करके, परीक्षण करके बताइए कि आप कैसे हैं, तो खुद मैं मेरे बारे में बुराइयां क्यों करूंगा। मैं तो कहूंगा मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं दानवीर हूं, मैं दया भावी, दया का भाव रखने वाला व्यक्ति हूं। तो इस प्रकार का परीक्षण क्या विश्वसनीय हो सकता है और सही हो सकता है? तो इसलिए मेरा इस ऑप्शन से भी नकारता हूं मैं इस बात को। इसका सही उत्तर है प्रमापीकृत परीक्षण। इसमें विश्वसनीयता होती है, बिल्कुल वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है मेरे दोस्त कि इस परीक्षण को कितने ही लोगों द्वारा संपन्न किया जाए, उसका उत्तर एक ही निकलना चाहिए, उसका निष्कर्ष एक ही निकलना चाहिए। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ठीक है? तो वो प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं। इसलिए यहां इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रमापीकृत परीक्षण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहां पर आगे और चर्चा कर लेते हैं। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित से नहीं है। आप ध्यान से देखें इसको, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। सीसीई का मतलब आप समझ गए होंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सीसीई का फुल फॉर्म सुन लीजिएगा पहले, तो ये सीसीई का फुल फॉर्म, सीसीई का फुल फॉर्म मैं हिंदी में बता देता हूँ प्यारे दोस्त, हिंदी में बता देता हूँ, यहाँ पर जरा सुन लीजिएगा। सी का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यूअस, क्या कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव, कॉम्प्रेहेंसिव एंड इवोल्वेशन, इवोल्वेशन का मतलब मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवोल्वेशन। यहां पर इसका हिंदी अर्थ यदि हम लगाएं प्यारे दोस्तों, हिंदी अर्थ होता है सतत, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये इसका हिंदी अर्थ है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय निम्न में से कौन सा नहीं है? विषयों की व्यापकता होनी चाहिए, बिल्कुल ये ठीक है, ये सही बात है कि विषयों की व्यापकता, दायरा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, चलिए ये भी ठीक उत्तर है। उपकरणों की व्यापकता, जी बिल्कुल, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में उपकरणों की व्यापकता होनी चाहिए, उनका दायरा बड़ा होना चाहिए, उपकरण ज्यादा होने चाहिए, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो सकता है और सही होगा। दायरे की, उसका जो क्षेत्र है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, लगातार जो मूल्यांकन किया जाता है उसका दायरा भी बड़ा होना चाहिए, जबकि इसमें प्रश्नों की व्यापकता नहीं होनी चाहिए, प्रश्न बहुत सारे, अनावश्यक प्रश्नों को नहीं शामिल किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर मेरे दोस्तों क्या होगा? प्रश्नों की व्यापकता, प्रश्न बड़े नहीं होने चाहिए, अधिक नहीं होने चाहिए और अनावश्यक प्रश्न नहीं होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? प्रश्नों की व्यापकता, ठीक है। अब सीसीई के बारे में छोटी सी जानकारी और दे देता हूं मैं आपको, देखिएगा सीसीई की फुल फॉर्म आपको पता लग चुकी है। अब आपके सामने एक एनसीएफ का नाम सुना होगा आपने, एनसीएफ द्वारा 2005, एनसीएफ 2005 में इसको लागू किया गया है, एनसीएफ 2005 द्वारा इसे लागू किया जा चुका है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को। और सीबीएसई द्वारा, सीबीएसई द्वारा इसे 2009 में लागू किया जा चुका है, सीबीएसई द्वारा 2009 में लागू किया जा चुका है। और एनसीएफ द्वारा इसे कब लागू किया जा चुका है प्यारे दोस्तों? इसे लागू किया जा चुका है 2005 में। क्लियर है? ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसकी जो सबसे पहले पहल जिसने की थी उस संस्था की बात कर लेता हूं प्यारे दोस्तों, 1986 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में सिफारिश करने वाला जो नीति थी वो राष्ट्रीय नीति 1986 के तहत, इसकी सबसे पहले राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा नीति 1986
के द्वारा इसकी क्या की गई, सिफारिश की गई, सिफारिश की गई प्यारे दोस्तों, क्या की गई, सिफारिश की गई, और उसके बाद में इसे एनसीएफ 2005 के द्वारा लागू कर दिया गया। और सीबीएसई द्वारा इसे कब लागू किया गया, 2009 में लागू किया गया, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगली बात पर चलते हैं। ये लीजिए, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझें तो बहुत ही आसान है। एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, बच्चा असमर्थ उतना है नहीं जितना वो मान रहा है अपने आप को कि मेरे से नहीं होगा, ये नहीं कर सकता मैं, वो नहीं कर सकता, बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा हो चुकी है, हीन भाव, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि बच्चा अपने आप को बहुत कमजोर समझने लगा है। वह हीन भावना या हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, इस प्रश्न में भी दिया है आगे कि एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है, आत्मविश्वास खो बैठा है, एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे। आपको एक ऐसे बच्चे को दिया जाए आपको कि ये बच्चा अपने आप को बहुत ही कमजोर समझता है, इस बच्चे को आपको पढ़ाना है, उसका आप उसको कैसे पढ़ा सकते हैं, ये पूछा गया प्रश्न में। तो देखिएगा, ये तो एक बहुत निहायत ही सरल प्रश्न है, ये जो अध्यापक बनने जा रहे हैं उनको शायद ही समझाने की जरूरत है, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए, पहला ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा बच्चे के साथ में सही व्यवहार करें, उसे मोटिवेशन करके, उसे प्रेरित करके, क्या हम इस प्रकार का उपचार करके उस बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं, आप एक अच्छे शिक्षक होने के नाते क्या ये काम करेंगे, क्या बच्चे के साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर उस बच्चे का उपचार कर उसे शिक्षा दे सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है दंड देकर, ये कहीं भी सही नहीं है, ये ऑप्शन है, इसको काट दिया करो, दंड देकर ये कहीं भी कोई भी चीज को मना आप नहीं करवा सकते या फिर उसे अधिगम नहीं करवा सकते, अधिगम भी अगर आप करवा देंगे तो ये उचित तरीका नहीं है, ये उचित तरीका बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो इसको तो आप ऑप्शन में देखते ही काट दिया करो, ये ठीक है। परिवार को सूचना देकर के, परिवार को सूचना देने से क्या वो बच्चा ठीक हो जाएगा, क्या वो बच्चा अपने अंदर की हीन भावना को त्याग देगा, कैसे भाई, उसको परिवार से तो ये सब चीजें मिली नहीं है, इसीलिए तो उसमें हीन भावना विकसित हो गई है। तो एक शिक्षक होने के नाते क्या आप परिवार को सूचना देंगे कि आपका बच्चा हीन भावना से ग्रसित है, आप इसका उपचार कराइए, आप उसको समझाइए, ये एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इसको भी काट दीजिए, ये भी गलत उत्तर है। मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर कि जाओ बेटा आप खेलो, मस्ती करो, और आप ये करो वो करो, और दोस्तों के साथ में गप्पे सल्प पे लड़ाओ, तो क्या इससे वो बच्चा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं जी, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त, इसका उत्तर सही है, इसके साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके ही उसका उपचार कर उसे शिक्षित किया जा सकता है, उसे अधिगम कराया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा ही उसे उसका उपचार किया जा सकता है, इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत प्यारा सा है, देखिए इसके हम बात भी कर चुके हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, एग्जामिनर ने यह पूछा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, यह पूछा है, नहीं है, नहीं पूछा है, पूछा है आलोचनात्मक प्रश्न। आलोचनात्मक का मतलब होता है किसी टॉपिक को, टॉपिक आपको दे दिया जाए और उस पर आप अपनी राय दें, आलोचना करें उस पर, आलोचना का मतलब कहीं भी नहीं लिखा है मेरे दोस्त की आलोचना का मतलब बुराई करना होता है, बिल्कुल गलत, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो उसका आलोचना आलोचक है, आलोचक का मतलब ये कभी नहीं होता कि वो उसका बुराई करने वाला व्यक्ति है, आलोचक का मतलब होता है वो उसके बारे में समीक्षा करने वाला व्यक्ति है, उसके बारे में सही और गलत के बारे में डिस्कस करने वाला व्यक्ति है। तो आलोचनात्मक का मतलब ये हुआ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या आलोचनात्मक प्रश्न होते हैं, का प्रकार है ये पूछा है, तो क्या आलोचना जिन प्रश्नों में की जाती है वो वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, नहीं। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जिसका एक ही उत्तर हो, आलोचना से तो कई अपने अपने हिसाब से कोई कितने उत्तर निकाल सकते हैं, एक प्रश्न के कई उत्तर निकाल सकते हैं, तो क्या उन प्रश्नों को आप वस्तुनिष्ठ कहेंगे,
नहीं कहेंगे, बिल्कुल गलत बात है जी, बिल्कुल गलत बात है। मिलान प्रश्न यहां पर दोनों वर्ग की ओर चलते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ के तो अन्य उत्तर हो ही नहीं सकते मेरे भाई, वस्तुनिष्ठ का तो अन्य उत्तर हो ही नहीं सकता, विश्लेषण करके तो आप किसी भी उत्तर तक पहुंच सकते हैं, क्या यह सही है? यह भी गलत उत्तर है। तो तीसरा है मिलान प्रश्न, तो बिल्कुल ठीक बात है, मिलान वाले जो मिलान करने वाले प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। जैसे मैंने आपको आपके सामने, देखो मैं एक उदाहरण देकर के बताता हूं, जैसे मैंने दिया यहां पर जयगढ़, फिर यहां पर दिया मैंने मेहरानगढ़, फिर यहां पर दिया मैंने, यहां पर मैं ये भी लगाता चलता हूं मेहरानगढ़, और यहां पर दिया मैंने जूनागढ़, और यहां पर दिया मैंने सोनारगढ़। मान लीजिए तो इनके सामने मैं लिख देता हूं कुछ, यहां पर लिख देता हूं मैं जयपुर, यहां पर लिख देता हूं मैं आपका बीकानेर, यहां पर लिख देता हूं मैं जोधपुर, और इसके सामने लिख देता हूं जैसलमेर। अब बच्चों आपके सामने मिलान प्रश्न है, अब इस मिलान प्रश्न को आप सही करने के लिए क्या इसे इसके बाहर की बात रख सकते हैं कुछ? इसका तो उत्तर एक ही होगा जो इसमें दिया है, समझ रहे हो ना आप, इसका उत्तर तो एक ही होगा। इनको मिलाने के लिए केवल इन्हीं का प्रयोग करना है आपको, इनके बाहर की कोई भी चीज नहीं लानी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जयगढ़ का संबंध जयपुर से है, मेहरानगढ़ का संबंध जोधपुर से है, बीकानेर जूनागढ़ का संबंध किससे? बीकानेर से है, और सोनारगढ़ किले का संबंध किससे? जैसलमेर से। क्या इनके बाहर से हमने कोई चीज इंक्लूड की है, इसमें बाहर से कोई चीज ऐड की है? नहीं की है। इसका मतलब ये वस्तुनिष्ठ है, इसकी वैधता है, ये विश्वसनीय है, ये पूर्ण रूप से यूं कह सकते हैं कि इसका अन्य उत्तर नहीं निकाला जा सकता। तो ये मिलान प्रश्न जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न, बिल्कुल गलत बात है जी, व्याख्यात्मक प्रश्न कैसे हो सकते हैं जिनकी व्याख्या आप कर करके अपने हिसाब से जो उत्तर निकाल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर मेरे यारो क्या होगा? मिलान प्रश्न। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, मौन पठन का लाभ क्या है? जो बच्चे मन ही मन में पढ़ते हैं उसका क्या लाभ है, कुछ बच्चे उच्चारण करके पढ़ते हैं उसका क्या लाभ है, ये सारी चीजें मैं बताते हूँ। मौन पठन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मौन पठन सबसे महत्व किसमें होता है? गद्य शिक्षण में मौन पठन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, या मौन पठन गद्य शिक्षण में किया जाता है। दोस्तों गद्य को पढ़ते समय आप मौन रहकर के पढ़ें तो ज्यादा बेहतर तरीके से अर्थ ग्रहण कर पाएंगे और स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित कर पाएंगे। तो यहां पर चलते हैं हम, मैंने हालांकि उत्तर बता दिया आपको लेकिन फिर भी चलते हैं उत्तर की ओर चलते हैं। तो चार ऑप्शन हमारे सामने, पहला ऑप्शन उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है। यार ये तो दोनों विरोधाभास बात है, इधर तो कह रहा है मौन, यहां पर कह रहा है उच्चारण। उच्चारण कैसे करेंगे मौन पठन में, हम उच्चारण नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत बात है। स्वाध्याय, स्वयं के अध्याय की प्रवृत्ति यानी खुद पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित होती है क्या? जी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, पढ़ने की प्रकृति विकसित हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। धीरे धीरे मौन पठन से आपको आपका सिटिंग पावर बढ़ता है, आप अर्थ ग्रहण करके चीजों को समझते हुए पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, ये उत्तर इसका एक सही उचित उत्तर है। एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, उच्चारण जहां आ गया यार मौन वहां कैसे हो सकता है? उच्चारण शब्द जहां आ गया वहां मौन कैसे हो सकता है? जहां मौन हो सकता है वहां उच्चारण कैसे हो सकता है? चलिए तो ये ऑप्शन भी इसका गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन भी इसके लिए ये विकल्प भी उचित नहीं है। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, पठन मतलब बोल करके पढ़ना और उसकी शुद्धता, नहीं भैया मौन पठन में आप शुद्धता का और अशुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा, मौन पठन में केवल आप अर्थ ग्रहण पर ध्यान देंगे,
मौन पठन में आप किस पर ध्यान देंगे? अर्थ ग्रहण पर ध्यान देंगे। मौन पठन करते हुए आप अर्थ को समझते हुए पढ़ते हैं, तो ये मौन पठन का सबसे अच्छा लाभ क्या होता है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ती है, विकसित होती है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलिए, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। कितनी भी बार पूछिएगा मुझे बुरा नहीं, अच्छा लगेगा प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर रुक करते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यहां पर गौर कीजिएगा, ये जो शब्द दिया हुआ ना नहीं है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रश्न को सही और गलत कराने में। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होनी चाहिए? मैंने पहले भी आपको बताई थी, वैधता होनी चाहिए, बिल्कुल उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसा होना चाहिए मूल्यांकन, तो वो अच्छा मूल्यांकन है। ठीक है, ये बात सही है। आत्मनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, ये विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। आत्मनिष्ठता होगी तो मूल्यांकन कैसे सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो तो। ये वस्तुनिष्ठता तो होनी चाहिए बिल्कुल, मूल्यांकन कोई भी मूल्यांकन करे आकर के तो आपका उतना ही प्रश्न सही होना चाहिए। मान लीजिए मैं आपके सामने ये पेपर लेकर के आया हूं और आपसे कह रहा हूं कि इस पेपर में 30 प्रश्नों में से आप 28 प्रश्न कीजिए या 30 में से 30 सही कीजिए और स्वयं का मूल्यांकन कीजिए, और फिर पूरे प्रश्न करवाने के बाद में मैं आपसे कमेंट में पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि आपके कितने प्रश्नों का उत्तर सही रहा, तो बच्चे ये थोड़ी बताएंगे कि मेरे सर 20 ही सही हुए हैं, मेरे 15 ही सही हुए हैं। बच्चे तो खुद कहेंगे कि सर मेरे तो 29 सही थे, मेरे 28 सही थे, मेरे 30 में से 30 भी ठीक थे। तो बच्चा खुद उसका सही मूल्यांकन नहीं करेगा, और कर भी लेगा तो वो बताएगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आत्मनिष्ठता जो होती है वो मूल्यांकन की, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं हो सकती। इसलिए सही उत्तर का चयन करेंगे तो हम किस ऑप्शन का चयन करेंगे? ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। व्यापकता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए व्यापकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या है? रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रमबद्धता बनाना, रचना शिक्षण से क्या लेना देना है क्रमबद्धता का? सुसंबद्धता बनाना, बिल्कुल ये भी मैं तो नहीं मानता हूं। व्याकरण सम्मत कार्य करवाना, ये भी ठीक नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर शायद बोर्ड ने भी बोनस दिया था इसका, और मैं भी इसके लिए बोनस दे रहा हूं आपको, याद रखिएगा, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। रचना शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अधिक से अधिक लोगों को या फिर बच्चों को अर्थ ग्रहण, बच्चों से अर्थ ग्रहण करवा करके या बच्चों द्वारा किसी अर्थ तक पहुंचना ही रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत बात है, चारों ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो आप भी मान लीजिएगा कि ये आपके लिए बोनस का काम कर रहा था पिछली बार में, तो इस बार आपको ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा। चलिए खैर, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ये आ गया है जी, जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो प्रश्न जो आप सोच रहे थे कि संधि का प्रश्न कब आएगा, ये आ गया है। तिरस्कार, बहुत सारे बच्चे तो शब्द को ही गलत लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं बच्चे तिरस्कार, ये गलत है, याद रखना। तिरस्कार बिल्कुल निहायत गलत शब्द है, याद रखना, एकदम ही गलत शब्द है। तिरस्कार नहीं होता, वो तिरस्कार होता है। पहली बात, शब्द शुद्धि में भी आप ध्यान रखेंगे, तिरस्कार शब्द शुद्ध है, लिखा हुआ ठीक है। शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ये लो जी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का नियम है, व्यंजन के बाद व्यंजन आए और व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन आप जानते ही हैं, क्लास में मैं अपन पढ़ भी रहे हैं और फिर भी मैं बता देता हूं, वे वर्ण ध्वनियां या वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें, उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। और दोनों तरफ या तो व्यंजन हो, पहले भी व्यंजन और बाद में भी व्यंजन, या पहले व्यंजन और बाद में स्वर, तो भी व्यंजन संधि हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका हम खंड भी करके देखेंगे और संधि विच्छेद भी करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, विसर्ग संधि, क्या विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसको हम एक बार स्पेयर में रखते हैं। गुण संधि, गुण संधि का मतलब ये हुआ कि ये क्या स्वर संधि का उदाहरण है, गुण किसका एक पार्ट है, गुण संधि किसका एक भाग है भाई, स्वर संधि का। और यहां पर यण संधि, यण संधि का मतलब भी तो क्या होता है प्यारे दोस्त, स्वर संधि। ठीक है,
तो यहां पर क्या यह सही बात है? तो इनमें से ये सभी के सभी यण संधि भी नहीं है, गुण संधि भी नहीं है, व्यंजन संधि भी नहीं है, तो सही उत्तर है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब आओ मैं करके दिखा देता हूं आपको, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं इसका कैसे किया जाता है। देखना यहां पर यदि मैं बात करूं प्यारे दोस्त, तो यहां पर तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरह धन कार, ये तो इसका संधि विच्छेद है। और संधि विच्छेद में इसका नियम क्या है कि बीच में अर्धाक्षर से का आगमन हो गया, तो याद रखना यदि विसर्ग संधि में एक नियम की बात कर रहा हूं, मैं विसर्ग संधि के खास नियम की बात कर रहा हूं, यदि ए या आ के साथ विसर्ग हो और सामने या विसर्ग के बाद क या प हो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको देखिएगा जरा, यहां पे मैं अच्छे से लिख देता हूं, सामने यदि क्या हो प्यारे दोस्त, क या प हो, तो विसर्ग के स्थान पर अर्धाक्षर स का आगमन हो जाता है, अर्धाक्षर स का आगमन हो जाता है या आ जाता है, आगमन हो जाता है। ये बहुत अच्छा सा नियम है, विसर्ग संधि का एक खास नियम है कि यदि पहले ए या आ हो, यानी ए या आ की मात्रा आ रही हो, पहले जो पहला पद है, संधि में दो पद होते हैं या तीन पद होते हैं, जितने भी पद होते हैं, पहले पद के आखिरी वर्ण में यदि ए या आ की ध्वनि आ रही है और उसके साथ में विसर्ग लगा हो, सामने क या प अक्षर दिया हो या क या प वर्ण दिया हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, अर्धाक्षर से आ जाता है। तो यहां पर देख लीजिए नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नियम का पालन हो रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिएगा नियम का पालन हो रहा है। ती, ती का ती हमने लिख दिया, रे, तो अब मेरे दोस्त बता मुझे रे के साथ में, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, ती रे, अब रे में कौन मिला हुआ है, रे में किसकी ध्वनि आ रही है, ए की आ रही है कि नहीं आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, तो एक शर्त तो पूरी हो गई, और ए के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो ये भी शर्त भी पूरी हो गई कि ए या आ के साथ में विसर्ग आना चाहिए, और सामने क या प आना चाहिए, तो क भी आ रहा है का, तो यहां पर देखना बीच में कौन आ जाएगा, स आ जाएगा, और कैसा आ जाएगा, आधा आ जाएगा, तो आधे स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आधा से हम ऐसे लिख देते हैं और कार का कार लिख देते हैं, कार का कार लिख देते हैं, और बनकर तैयार हुआ हमारा तिरस्कार। तो तिरस्कार में कौन सी संधि हुई प्यारे मित्र, विसर्ग संधि, राइट, क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट, ओके, हीन भावना, देखो हीन भावना शब्द में कौन सा समास है, समास आप जानते हैं, समास में कौन सा प्रकार है ये, या फिर कौन से प्रकार का ये उदाहरण है, हीन भावना शब्द में कौन सा समास आप करोगे। इन सभी समासों की मैं पहले परिभाषा की बात कर लेता हूं। कर्मधारय का मतलब होता है कि एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष्य होता है, कर्मधारय का मतलब यह है, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं। द्वंद्व का मतलब इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा, द्वितीय पद प्रधान होता है, और इसमें दूसरी जो विशेषता है कर्मधारय की वो होती है एक पद विशेष्य और एक पद विशेषण होता है, ठीक है, विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं उसकी भी हम बात कर लेंगे। द्वंद्व समास की बात करते हैं, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद
प्रधान होते हैं यानी दोनों पद बराबर के होते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास प्रयोगित होता है, काम में लिया जाता है। अव्ययी भाव समास एक पद अव्यय होता है, प्रथम पद क्या होता है मेरे दोस्त, अव्यय होता है, अव्यय शब्द दिया हुआ होगा प्रति, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, यथा ये शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, और ऐसे शब्दों वाला समास कौन सा क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास ऐसा समास जिसमें कोई तीसरा अर्थ निकल जाए, अन्य ही अर्थ निकल जाए, उस समास को क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब हीन भावना में हम क्या लाएंगे, यहां पर देखो हीन है इसका समास, ये विग्रह यदि हम करें तो इसका समास विग्रह होगा मेरे दोस्त, हीन है जो भावना, यानी कमजोर इच्छा शक्ति वाला, कमजोर भावना वाला व्यक्ति हीन भावना या कमजोर इच्छा शक्ति ही हीन भावना कहलाती है। हीन है जो भावना, अब यहां पर देखना, हीन यानी कमजोर, हीन यानी कमजोर, और भावना क्या है यहां पर, संज्ञा, ये यहां पर विशेष्य है, विशेष्य है, विशेष्य है, और ये यहां पर विशेषण है, विशेषण है। तो मेरी शर्त क्या थी, कर्मधारय में क्या शर्त रखी थी, कि एक पद विशेषण होगा, एक पद विशेष्य होगा, तो इसमें हीन तो विशेषण हो गया माय डियर, और भावना विशेष्य हो गया। विशेषण का मतलब वह किसी शब्द की विशेषता बताए, ऐसा कोई शब्द जो दूसरे शब्द की विशेषता बताए उसे तो विशेषण कहते हैं, विशेषता बताने वाले को विशेषण, और जिसकी विशेषता बता रहा है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो हीन बताने वाला है ना, तो ये तो हो गया विशेषण, और भावना किसकी बता रहा है, भावना की बता रहा है, तो ये विशेष्य हो गया। जैसे मैं बात कर लेता हूं, देखो दूसरे दे देता हूं, यहां पर आपके उदाहरण दे देता हूं, काला कोट, तो यहां पर प्यारे दोस्त ये काला शब्द है, ये तो आपका विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, और यदि मैं कोट की बात करूं तो ये विशेष्य हो गया। ये विशेष्य और विशेषण क्यों हुआ है आप समझ गए होंगे, काला शब्द है वो कोट की विशेषता बता रहा है, काला है, कोट कैसा है, काला है, तो ये क्या हो गया, इसकी इसका विशेषण हो गया, और कोट इस काला शब्द के लिए विशेष्य हो गया। ठीक, तो ऐसा कौन से समास में होता है भाई, ऐसा होता है कर्मधारय समास में, कौन से समास में, कर्मधारय समास में, इसलिए राइट आंसर कर्मधारय समास, कर्मधारय समास बिल्कुल सही उत्तर है आपका, कर्मधारय समास, और बाकी सभी समासों के बारे में मैंने छोटी छोटी जानकारी आपको दे दी है। ठीक, नेक्स्ट, उत्कर्ष का सही विलोम शब्द या उत्कर्ष का विलोम क्या होगा यह बताना है आपको, अपकार होगा नहीं होगा, अपयश होगा नहीं होगा, अवनति होगा नहीं होगा, हालांकि अप का मतलब क्या होता है, बुरा, यहां पर देखना, उत का मतलब तो या उद का मतलब तो क्या होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, उद का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, या फिर आप क्या कह सकते हैं, ऊंचा, क्या कह सकते हैं माय डियर, श्रेष्ठ या ऊंचा, और अप का मतलब होता है अप, अप यानी बुरा, बुरा, और यहां पर आप कह सकते हैं नीचा भी कह सकते हैं, नीचा भी कह सकते हैं, निम्न कह सकते हैं। मैं आपका मतलब बुरा क्यों होता है, बुरा बुरा ही क्यों होता है, मैं आपको उदाहरण देकर के बताता हूं। जैसे एक होता है मान, मान शब्द में यदि हम क्या जोड़ दें, अप जोड़ दें, तो बुरी तरीके से जो आदमी व्यवहार करता है उसे कहा जाता है अपमान, बुरा व्यवहार ही अपमान कहलाता है। ठीक है, किसी के साथ में आप बुरा व्यवहार करेंगे तो कहेंगे कि उसने मेरा अपमान कर दिया है। अप का मतलब क्या हुआ मित्र, बुरा, क्लियर है, ये समझिएगा। यस, यस होता है प्रसिद्धि, और अपयस गलत प्रसिद्धि, बुरी तरीके से मिली हुई ख्याति, आप ख्याति नहीं कहेंगे उसे, है ना, तो आप कुख्यात कह सकते हैं उसे, कुख्याति कह सकते हैं, बुरी, यस बुरी पहचान कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अपकार करने किए हुए को नहीं मानने वाला अपकार होला, मानने वाला अपकार होता है, या किए हुए को नहीं मानता है उसे अपकार कहेंगे आप। अपकर्ष, ठीक है, उत्कर्ष का सही जो विलोम है वो क्या है माय डियर, अपकर्ष है, राइट, अपकर्ष, क्लियर, चलिए अपकर्ष होगा जी। उत का मतलब, या इसमें उत्कर्ष में एक उपसर्ग प्रयोगित हुआ है,
उत्कर्ष में क्या कौन सा उपसर्ग प्रयोगित हुआ है मैं बता देता हूं आपको। उत्कर्ष में उद और इसमें ये तो उपसर्ग है और ये है इसका मूल शब्द। तो उद का क्या हो जाता है, तय हो जाता है जब सामने कौन हो प्यारे दोस्त, क्या होना तो इसका तय हो जाता है, द का तय हो जाता है। तो ये क्या हो गया उत्कर्ष, क्या हो गया है उत्कर्ष। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसमें उपसर्ग भी पूछ लिया जा सकता, पूछा जा सकता है कि उत्कर्ष में उपसर्ग कौन सा है, उद उपसर्ग है ना कि उत उपसर्ग है, ऐसा मत कर देना उत उपसर्ग है, उत गलत, ठीक है, उद है मानक उपसर्ग, उद ही है ना कि उत है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं और अगला प्रश्न हमारे लिए ये रहा, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। बिल्कुल आपके लिए सही सब बहुत अच्छा सा प्रश्न है। स्वावलंबी ये शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। स्वाव स्वाव का मतलब अपने ऊपर, अवलंबी का मतलब होता है निर्भर रहने वाला, उसी के लिए हम स्वावलंबी शब्द को काम में लेते हैं। तो इसका सही उत्तर आपके सामने, स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला। सेवा करने वाले से क्या तात्पर्य हो सकता है यार, सेवा करने वाला स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला नहीं है, इसका सही वाक्यांश नहीं है इसके लिए। स्मरण करने योग्य ना, बिल्कुल नहीं, स्मरणीय होता है वो तो, ये नहीं है। जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, बिल्कुल सही सही बात है। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब खुद पर निर्भर हो, स्वयं पर निर्भर हो, ऐसा व्यक्ति जो हर प्रकार से किसी दूसरे का सहारा नहीं लेता हो, वो अपना काम स्वयं करता हो, या वो हर प्रकार से हर तरह से अपने आप पर डिपेंड हो, ऐसे व्यक्ति को स्वावलंबी आप कह सकते हैं। बिना संकोच के बोलने वाला नहीं, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र देशी है, व्यक्ति देशी है, निरंतर देशी है, दौरान ये विदेशी है। ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है प्यारे दोस्त, अरबी भाषा का शब्द है। देखिएगा अरबी भाषा और फारसी भाषा के जो शब्द होते हैं वो मुख्यतया फिल्मी लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज होती है दोस्तों, फिल्मी लैंग्वेज, फिल्मी भाषा। फिल्मों के लगभग गानों में कौन सी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आहट, मुस्कुराना, मुस्कराना, ठीक है, मुस्कुराना, ठीक है, और कुछ भी ले लीजिए, अफसाना, अफसाना है ना, मेहरबान, मेहरबान, ये सब के सब, दिल, दिल, आशिक, ये सब के सब क्या है प्यारे दोस्तों, ये सब के सब विदेशी शब्द है, ये देशी शब्द नहीं है, सब के सब क्या है, विदेशी शब्द है। दौरान भी विदेशी शब्द है, और दौरान कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। दौरान कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। क्लियर हो गया है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट, अब आपके सामने एक गद्यांश है और गद्यांश को पढ़ना है, फटाफट से पढ़ लीजिएगा, फिर हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ 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 प्रदूषण भी और अधिक बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथ हाथ प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है, परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा ही है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। बहुत ही नॉर्मल सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, और इस गद्यांश को हमने बहुत अच्छे से अध्ययन भी कर लिया है। आगे इससे संबंधित शायद कुछ प्रश्न होंगे, उनका उत्तर हमें देना है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द पुलिंग शब्दों से असंगत है, यानी पुलिंग नहीं है, यह बताना है। कोई भी बता देगा यार, मैं इसको बताऊं या रहने दो, बताओ बताऊं,
बता देता हूं, एक वाक्य, एक एक वाक्य बोलता चलता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। सबका विनाश होगा, होगा होगे नहीं होगा, इसका मतलब ये पुलिंग है। सबका विनाश होगा या सर्व विनाश होगा, वो कैसा है? पुलिंग। वातावरण अच्छा है, अच्छा है ना कि अच्छी है, इसका मतलब ये भी पुलिंग शब्द है। स्थिति कैसी रही? रही होगा अच्छा, अब तो समझ जाओ। परिणाम क्या रहा? अब तो आप समझ ही गए होंगे यार, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा माय डियर? स्थिति स्त्रीलिंग है ना कि पुलिंग है। स्थिति कैसी है? स्त्रीलिंग शब्द है आपके सामने, क्लियर। देखिएगा हिंदी जो विषय है उसमें जो लिंग है वो दो ही होते हैं, लिंग दो होते हैं, या तो पुलिंग होता है, पुलिंग होता है, और या स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। जबकि संस्कृत में एक तीसरा लिंग और पाया जाता है, नपुंसक लिंग। क्या? नपुंसक लिंग, ठीक है। तो यहां पर हिंदी की बात हो रही है, हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें सही उत्तर की तलाश थी और मिल भी गया है, स्तुति के रूप में, ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 आपके लिए ये रहा, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। ओहो बहुत प्यारा सा प्रश्न आ गया है, इसे ही तो अव्यय कहते हैं यार, इसे ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ऐसा शब्द जिसका ना तो लिंग बदल सकता है ना वचन बदल सकता है, चाहे उस पर कारक का प्रभाव हो चाहे उस पर लिंग का प्रभाव हो, तो भी उस शब्द के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे ही कहा जाता है अव्यय। अब यहां पर देख लीजिएगा, अब इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका ना तो वचन बदल सकते हैं ना ही लिंग बदल सकते हैं? आलसी, तो इसको आप बहुवचन बनाएंगे, ये तो एक वचन है। आलसी, आलसियों कर सकते हैं कि आलसियों, आलसी का क्या कर सकते हैं प्यारे दोस्तों? आलसियों, आलसियों, आलसियों से कुछ नहीं होता। आलसी तो बोलते हैं एक लड़के को और या एक व्यक्ति के लिए, और आलसियों कहते हैं बहुत सारे व्यक्तियों के लिए, कि आलसी, आलसियों से कुछ नहीं होता, आलसियों से कुछ नहीं होता। यहां पर दीवार, कि दीवार पर चढ़कर आ जाओ, या फिर हम कहेंगे कि उस देश में दीवारें बहुत, दीवारें बहुत बड़ी बड़ी हैं, दीवारें बहुत ऊंची हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या कर सकते हैं हम दोस्तों? यहां पर भी हम बहुवचन कर सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, आलसी का आलसियों हो गया, दीवार का दीवारें हो गया। लिपि की, बहुत सारी लिपियां होती हैं, क्या होती हैं? लिपियां होती हैं, तो ये भी याद रखिएगा, लिपियां, ठीक है। इसको भी बहुवचन में बदला जा सकता है। अब इसको बदल करके दिखाओ ना यार, जल, कि भाई जल पिलाओ, जल है, जलों, आज तक आपने सुना है कि जलों पिला दो? आज तक आपने जल का जली नाम सुना है? नहीं सुना होगा ना यार। जल का ना तो लिंग बदल सकता है ना ही वचन बदल सकता है, इसलिए सही उत्तर इसका जल होगा। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट। अच्छा, उपयोगितावाद, वाद शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गांधीवाद, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए, वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाती है। ये मान लूंगा, अगर आगे इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिला तो मैं इसका ये उत्तर मान लूंगा, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिला तो। मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत, ये भी मान सकता हूं अगर इससे बेहतर नहीं मिला तो। उपयोगितावाद का मतलब होता है कि अधिक से अधिक लोगों का और अधिक से अधिक हित साधन हो, ज्यादा से, उपयोगिता का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का और ज्यादा से ज्यादा काम हो, ज्यादा से ज्यादा साधन साध्य हो, ज्यादा से ज्यादा हित साध्य हो, हितों का संपन्न हो, हित संपन्न हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, इसे कहा जाता है उपयोगितावाद। तो इसका सही उत्तर मेरे यार क्या होगा? सी, यानी ऑप्शन नंबर 3, मौलिक
उत्पत्ति का सिद्धांत उपयोगितावाद नहीं हो सकता, ये एक हद तक ठीक था, लेकिन ये ऑप्शन मिलने के बाद में इसको भी मैं खारिज करता हूं और उपयोग में लाने का भाव उपयोगितावाद नहीं हो सकता। उपयोगितावाद तो एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है, जो बहुत कुछ डिफाइन करता है। चलिए नेक्स्ट, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है, कौन सा काल प्रयोग किया गया है, सामने आएंगे, आसन भूतकाल, आएंगे, आएंगे में पहले तो यहां पर जाओ, आएंगे यहां पर, भूतकाल कैसा हो सकता है, भूतकाल में तो आ चुका होता अब तक, तो इसका मतलब ये गलत। आज्ञार्थक वर्तमान, आज्ञार्थक वर्तमान में ये होता है तुम पढ़ो, वर्तमान का मतलब तो अभी, और आज्ञा देना, आज्ञा के साथ कोई कथन कहना और वो अभी के लिए कहना, यह आज्ञार्थक वर्तमान काल होगा। देखिए जैसे आसन भूतकाल का एक उदाहरण की बात करता हूं मैं, तो आसन भूतकाल का एक उदाहरण देता हूं मैं आपके सामने। आसन का मतलब अभी अभी जो भूतकाल का कार्य संपन्न हुआ है उसे कहा जाता है कि मोहन, उसके लिए एक उदाहरण है, मोहन अभी गया है। अब देखना है को देख करके बच्चे क्या कर देते हैं कि ये वर्तमान काल का या वर्तमान का वाक्य है, जबकि वर्तमान का कैसे हो सकता है बेटा, वो जा चुका है ना, वो जा चुका है, तो जा चुका है तो फिर वो वर्तमान का कैसे हुआ, वो तो भूतकाल का हो गया है। अब भूतकाल का तो हो गया लेकिन वो बहुत देर नहीं हुई है उसे गए हुए, वो अभी अभी गया यार, अभी अभी मतलब बस निकट की बात है, बहुत थोड़े समय की बात हुई है कि वो चला गया है, यानी जा तो चुका है लेकिन बहुत पहले नहीं जा चुका है, वो अभी के जा चुका है, तो इसलिए इसका उदाहरण हो गया है मोहन अभी गया है। चलिए दो नंबर के ऑप्शन के लिए उदाहरण देता हूं, आज्ञार्थक वर्तमान, आज्ञार्थक वर्तमान के लिए एक बढ़िया सा उदाहरण ये हो सकता है कि तुम पढ़ो यानी अभी पढ़ो भैया, मतलब ये हुआ, पढ़ो का मतलब तो ये है कि अब पढ़ना है आपको, और तुम का मतलब ये किसी को कहा जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है, किसी को आज्ञा दी जा रही है, इसलिए आज्ञार्थक वर्तमान काल का उदाहरण हो गया। संदिग्ध वर्तमान का, संदिग्ध यानी कोई ना कोई उसमें संशय होना चाहिए, वर्तमान का होना चाहिए और संशय होना चाहिए, तो यहां पर लिख सकते हो विकास आया होगा, आया होगा, ये इसका उदाहरण है, विकास आया होगा, वर्तमान यानी अभी की बात है, आया होगा और विकास आया होगा, ये कंफर्म नहीं है भाई, यह प्रमाणित नहीं है कि आया ही है, लेकिन किसी को लग रहा है कि विकास आया होगा, किसी ने नॉक किया दरवाजा खोलने के लिए, तो मैं क्या कहूंगा अंदर बैठे हुए लोगों से कि विकास आया होगा, है ना, है तो वर्तमान की बात लेकिन संभावना, ये संदिग्ध है, ये स्थिति अभी क्लियर नहीं हुई है, इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता भाई, ठीक है, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। और संभाव्य भविष्यत, संभाव्य संभावना जताई जा रही है क्या, बिल्कुल, यदि हम अभी भी नहीं संभले तो संभावना है इस बात की कि परिणाम विनाशकारी होंगे, तो इसका मतलब सही उत्तर क्या है, संभाव्य भविष्यत, भविष्य की बात हो रही है, आएंगे, आए नहीं अभी तक, आएंगे भैया अगर ऐसा ही चलता रहा तो। चलिए खैर नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर करते हैं, आपके लिए ये रहा बहुत आज की क्लास का अंतिम और आखिरी प्रश्न, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब भी आपको देना है और आप जवाब दें उसके बाद में मैं बताता चल ही रहा हूं आपको। देखिए प्रश्न को पढ़िए, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। अब यहां पर रेखांकित नहीं किया गया तो मैं कर देता हूं, यहां पर चौराहों के नीचे रेखा खींची गई है और इसी को कहा जाता है रेखांकित। तो देखिएगा सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, इस रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। चार मंजिलों का भवन क्या चौराहा कहलाता है, यार नहीं रे, बिल्कुल गलत बात है यार, ये कैसे हो सकता है, ये बावड़ा समझा है क्या रीट वालों को, हा? तो चार देखना इधर, जो चौका मतलब तो होता है चार, और चार राहों का राह मतलब रास्ता, राह मतलब रास्ता,
रास्ता। चार राहों का समाहार ही क्या कहलाता है? चौराहा कहलाता है। वह स्थान जहां चार रास्ते मिलते हो, ये बात ठीक हो सकती है। अगर इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिला तो ये बात ठीक हो सकती है। देखते हैं आगे। चारों तरफ देखने वाला ना, ये नहीं हो सकता, गलत है। चारों तरफ देखने वाला चौराहा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एकाधिक यानी एक से अधिक स्थान जहां चार रास्ते मिलते हो, बिल्कुल ऊपर देखिए चौराहा नहीं है मेरे दोस्त, ऊपर ये नहीं लिखा हुआ है चौराहा, ऊपर लिखा हुआ है चौराहों। क्या लिखा हुआ है? चौराहों यानी बहुवचन, और बहुवचन मतलब एक से अधिक, यानी यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर चार, एक अधिक स्थान जहां चार रास्ते आपस में मिलते हो उसे चौराहा कहा जाता है। तो ये इसका सटीक उत्तर होगा, ये इसका उचित ऑप्शन, ये इसका उचित उत्तर होगा। हमें इसको काटना होगा क्योंकि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये केवल एक वचन के लिए प्रयोगित हो किया जा सकता है, जबकि इसका उत्तर सही क्या होगा? एकाधिक स्थान जहां चार रास्ते मिलते हो। तो आज के हमारे ये प्रश्न थे, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं प्यारे दोस्तों। 30 प्रश्नों में आपको कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आपके लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। पहले दोस्तों ये सीरीज हमेशा ही चलती रहेगी और आप अपने तैयारी को धार दें, बढ़िया से आप तैयारी करते रहें, इंशाल्लाह भगवान करे आपका सिलेक्शन इसी भर्ती में हो जाए और आगे आपको कम से कम रीट की तैयारी नहीं करनी पड़े, आगे चल करके आप लेक्चर की तैयारी करें, सेकेंड ग्रेड की तैयारी करें और प्रोफेसर बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आज की क्लास आप सब प्यारे दोस्तों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। और मैं आपका दोस्त यादराम आज के लिए लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।